नीरज, ये सारा सामान रख लिया आपने? जी रख लिया। एक काम करो, स्पीकर दे दो मेरे को, यहाँ टेबल में रखते हैं। स्पीकर ये आ गया। आप एक काम करो, ट्राईपॉड दे दो। ट्राईपॉड भी दे दो आप। ये ट्राईपॉड भी हम रख देते हैं। और कैमरा, कैमरा दो। इसमें कैमरा है ना? जी। ओके ठीक है, कैमरा भी आ गया। और स्टैंड, इसका ये माइक का स्टैंड दे दीजिए। ओके, ये भी आप ये रख दो। हम आज एक वीडियो शूट करने के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हल्द्वानी के पास में ही जा रहे हैं, तो ये सारा सामान लेके हम वहाँ जाएंगे। तो ये हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आप हैं नीरज सिंह नयाल। ये हैं नीरज सिंह नयाल, हमारे साथ रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों के साथ हाथ बटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम जा रहे हैं फतेहपुर में, और वहाँ हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, सुबह शाम हम लोग उनकी वीडियोज शूट करके आपके करीब भेजते हैं। तो आज हम फतेहपुर जाने वाले हैं। तो फतेहपुर जाने से पहले ये देखिए, सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया, और हम अब से थोड़े समय के बाद यहाँ से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपकी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम जो हमारी महिलाएं नित्य हमारे चैनल के लिए तैयार करती हैं, वो इस जगह पे होता है, न केवल इस जगह पे, हम जगह जगह पे उत्तराखंड में जाते हैं, और वहाँ की जो हमारी बहनें बेटियाँ हमारी माएँ हैं, अपने सुंदर गीतों से आप देश विदेश के असंख्य मित्रों को जिस का जिस तरह से मनोरंजन करती हैं, वो दरअसल इन जगहों पे होता है। तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको तो कार्यक्रम हो रहा है। कैमरा आप इधर को ले आए, इधर को ले आए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्यक्रम जैसे हम शूट करते हैं जगह जगह पे होता है, न केवल एक किसी के घर में होता है, संपूर्ण उत्तराखंड में एक कार्यक्रम होता है। हम जाते हैं, हमारी संपूर्ण टीम जाती है। ये देख सकते हैं, अब आपसे कुछ देर के बाद एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यही वो लोग हैं जो नित्य हमारे लिए कार्यक्रम तैयार करती हैं। देश विदेश के जितने भक्त हैं आज हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, दरअसल इन जगहों पर होता है। देख सकते हैं अभी तैयारियाँ हो रही हैं, सुंदर गीत अब आपके पेश करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगेगा। इनका हौसला बढ़ाइएगा, और आने वाले दिनों में आपको नित्य ऐसे कार्यक्रम मिलते रहेंगे। हमारे साथ में ताराचंद जोशी जी हैं। आप देखते हैं कि नित्य इनके कार्यक्रम आपके करीब आते हैं, न केवल आप हैं, वो बहनें हैं, ये अक्सर आप देख रहे हो। कैमरा आपको इधर घुमाइए, सारी बहनें हैं हमारे कार्यक्रम तैयार करती हैं। आप देश विदेश के जिस भी देश में आप रह रहे हों, वहाँ से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसको मजबूती देने वाला यही है। इनमें से मुख्य मैं आपका परिचय कराता हूँ, आपका ताराचंद जोशी जी हुए। अक्सर आपके गीत हमारे सारे मित्रों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। मैं आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे जो भी मित्र इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो हमें मजबूती दे रहे हैं। हमारी बहनें हैं, बेहतरीन नृत्य कुछ दिन पहले इन्होंने पेश किया, आप देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सराहा इनका नृत्य को, वो हमारी बहनें ढोलकी पे आपने कितना उनको सराहा था। आप जरा अपना नाम बताएं। ममता भंडारी जी हैं आप कार्यक्रम में देख ही रहे हैं उनको। आपका नाम बताएंगे? तरुणा बसेड़ा। हाँ, तरुणा बसेड़ा जी हैं। आपको बताया, जैसे कि आप में कुछ बहनों ने बोला कि बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बहुत बढ़िया कर रही थी, और हमारी ये लोग सब लोग, मैं एक एक का परिचय तो नहीं दे सकता हूँ। आपने भी बेहतरीन, आपका शुभ नाम बीना भट्ट जी का भी आपने कार्यक्रम देखा है, और ये सारी लोग, ये बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, असंख्य लोग हैं, न केवल हल्द्वानी में, उत्तराखंड के लोग हैं हमारे बहनें हैं जो हमें कार्यक्रम देती हैं और अपनी संस्कृति को देश दुनिया तक पहुँचाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी मैडम साहिबा हैं, श्रीमती पार्वती वर्मा जी, जो हमें सशक्तिकरण दे रही हैं, हमारे चैनल में दिन रात मेहनत करती हैं, तभी कार्यक्रम आप तक पहुंचता है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपने कार्यक्रम को विराम देता हूं, और अब सुनिए बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम जो अब पेश होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। Gracias.
बहुत साची दरबार की जय वाली मैया की जय। राम मैया हर प्रेरणा।